वन आई एम यामी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 247 स्कूल तो बच्चों आज हम चैप्टर 12 क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन सो so, इससे पिछले वाला चैप्टर जो था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि क्या-क्या प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है वर्क करता है उस चैप्टर को देखने के लिए आप मेरी प्ले के अंदर जाके वो चैप्टर थरेली देख सकते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस उसी चैप्टर के अंदर है जिसके अंदर मैंने प्रिंसिपल और प्रोसेस अच्छे से बताए हैं तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग जो है एप्लीकेशंस देखेंगे बेसिक बायोटेक्नोलॉजी की कहां कहां होती है तो फर्स्ट एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है जिससे कि हम अपनी एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा सकते हैं सेकेंड सब टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन थर्ड हम देखेंगे कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं और क्या क्या एथिकल इश्यूज फेस करते हैं और लास्ट हम लोग इसके एनसीआर टी क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे तो आज की वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर्स देखने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारी क्या क्या एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी सर्व कर सकती है तो स्टार्ट करते हैं सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है इट इज द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स सो जब हमने प्रिंसिपल और प्रोसेसेस पढ़ा था तो हमने देखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे बनते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे बनते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी है ना हमने इसका प्रोसेस देखा था कैसे आर डीएनए जो है हम लोग होस्ट के अंदर डाल सकते हैं कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना होस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं क्या क्या मेथड्स हैं और कैसे कैसे जो है हम क्लोनिंग वगैरह करके इस डीएनए को अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं सो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स जो भी हम लोग मेडिसिन वगैरह खाते हैं वो सारी हमारी इंडस्ट्रियल स्केल पे होती हैं और उसके अंदर क्या यूज़ होते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स यूज़ होते हैं फंजाई यूज़ होता है प्लांट्स और एनिमल्स यूज होते हैं सो द एप्लीकेशन इट इंक्लूड्स थेराप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह अटैक नहीं करते हैं प्रोसेस्ड फूड बायो रेमिडेशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन तो ये सारी सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन के अंदर आती है जो हम सारी एक एक करके देखेंगे सो द मेन थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन से हमारे बायो टेक्नोलॉजी के थ्री रिसर्च एरिया सबसे पहले प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटेलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म हम जो है बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि एक कुछ नहीं एक इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूजअली विच इज माइक्रोब और अ प्योर एनजाइम या तो वो माइक्रोब होगा या फिर वो प्योर एनजाइम होगा सो सेकेंड क्रिएटिंग ऑप्टीमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट ऑप्टीमल कंडीशन चाहिए होंगे हमें कैटलिस्ट को अगर एक्ट करवाना है हमें उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए जैसे कि ऑप्टिमम पी हो गया टेम्परेचर हो गया सबस्ट्रेट हो गया तो ये सारी चीजें हमें किस में जरूरी होती हैं जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा क्या है कैटलिस्ट है उसको एक्ट करवाना है तो हमें ये सारी ऑप्टिमम कंडीशंस तो चाहिए ही होती हैं थर्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और द ऑर्गेनिक कंपाउंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है हमारा अल्टीमेट स्टेप या फिर हम इसे क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं है ना इसे हम लोग क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं तो अल्टीमेट स्टेप या फिर क्लाइमैक्स जो बिल्कुल एंड में होता है जिसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है वो क्या होता है वो बनता है और वो प्योरीफाई होता है फॉर्म्ड एंड प्योरीफाइड और उसके बाद में वो कहाँ हो जाता है अवेलेबल टू पब्लिक यूज़ अवेलेबल इन द मार्केट अवेलेबल इन द मार्केट मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है तो हमारा लास्ट स्टेप होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का जब हम लोग बात करते हैं अपने इंट्रस्ट के प्रोटीन को बनाने की तो लास्ट हमारा स्टेप होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसके अंदर हम प्रोटीन या फिर उस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करके और उसे मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं पर हाँ इसके बाद में हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इसमें हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं सो थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन हमारी फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होती है सबसे पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और थर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कौन कौन सी तीन चीजों की वजह से हमारी प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो और जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमारी क्रॉप हो द ग्रीन रिवोल्यूशन इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है है ना जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो उसको फीड करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि फूड सप्लाई को हमने बढ़ाना था तो जब हमने फूड सप्लाई को इवन ट्रिपल भी कर दिया ना तब भी वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसे खा नहीं पाई थी तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा हमारी जो है है पॉपुलेशन बढ़ रही है, कि कितना ज़्यादा खाना बनने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है सो इंक्रीज टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वराइटीज अब यील्ड को कैसे इंक्रीज किया है क्योंकि हमने क्रॉप वराइटी को इंप्रूव किया है और उसमें क्या होता है हमारा यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है हमने यूज की हैं और एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए हैं जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए पेस्टिसाइड हो गए अगर हम लोग एग्रो केमिकल्स यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारी क्रॉप पूरी की पूरी सड़ जाएगी क्योंकि तो उसके अंदर पेस्ट इंसेक्ट रोडेंट्स सारे के सारे इतना बुरी तरीके से अटैक करेंगे कि वो पूरी की पूरी क्रॉप जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसको बचाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ करने होते हैं पर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करने से बेटर क्या होता है कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें क्यों क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है हमारे वो तो फर्टिलिटी तो करते हैं सॉइल में बट उसके बाद में वो पानी में जाके क्या करते हैं वाटर पॉल्यूशन करते हैं क्योंकि वो पानी को अनफिट कर देते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज ठीक है सॉइल की जो एक पॉइंट के बाद है फर्टिलिटी भी लूज हो जाती है बाय दीज रिपीटेड यूज़ ऑफ़ दीज एग्रोकेमिकल्स तो इसकी जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि हमने प्रिंसिपल और प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि हम कैसे बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप वराइटी इन्हांस भी हो जाए क्रॉप की यील्ड भी एनहेंस हो जाए और नेचर को भी कोई फ़र्क ना पड़े मतलब उसमें वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन कुछ भी ना हो सो फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड द एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इट इंक्रीजेज इन ईल्ड विद एग्जिस्टिंग वराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल यूजंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग अब जब सब कुछ डेवलप कर रहा है तो क्या होता है जो हमारे एग्रोकेमिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं बट वो क्या करते हैं वो ईल्ड को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि वराइटी भी इंक्रीज़ हो जाती है पर जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात करें अगर हम लोग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात करें कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें इतनी यील्ड नहीं आ रही थी इतनी यील्ड नहीं आ रही थी क्योंकि तब पॉपुलेशन भी कम थी तो हमारा इससे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से, से बहुत अच्छे से काम चल रहा था पर विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम लोगों को जो है लोगों की डिमांड बढ़ गई है तो हमें वो भी फुलफिल करनी है है ना तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया कि एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए गए जिससे कि यील्ड भी बढ़ी वैरायटी भी बढ़ी पर ये क्या है ये एक्सपेंसिव है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं तो कुछ ही फार्मर्स जो हैं इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं और कुछ को कन्वेंशनल ब्रीडिंग के वजह से वैसे ही चलना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी वैरायटी और उसकी जो यील्ड uh, है वो कम आती है द प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनके अंदर हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं है ना तो वो क्या होंगे वो एक तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया और किसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ जीन्स दे आर मॉडिफाइड जीन्स आर मॉडिफाइड और प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाए एनिमल्स उनके जीन्स को मॉडिफाई अगर हम लोग करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सो जीएम प्लांट्स दे हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज जो जीएम जीएम प्लांट्स हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जिनके अंदर हमने अपने डिजायरेबल ट्रेड्स डाले हैं वो बहुत ही यूजफुल जो है साबित हुए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज फर्स्ट मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस क्रॉप्स जो हैं ज़्यादा टॉलरेंट हो गई टू एबायोटिक स्ट्रेसेस कोल्ड से ड्रॉट से सॉल्ट से हीट से सबसे ज्यादा टॉलरेंट हो गई मतलब रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट हो गई ठीक so, है सो ऑन केमिकल केमिकल पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के ऊपर कम रिलायंस क्यों क्योंकि हमने ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जीन्स को मॉडिफाई करके उन्हें रेजिस्टेंट बना दिया है पेस्ट रेजिस्टेंट वो ऑलरेडी हैं तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है ना हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने क्या किया है सबसे पहले क्रॉप्स को टॉलरेंट बना दिया है टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सेकंड रिलायंस को रिड्यूस कर दिया है केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर इट हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जैसे कि हम लोग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के अंदर देखते थे कि जब हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थे जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल के कटने के बाद के जो लॉसेस थे वो रिड्यूज हो गए वो रिड्यूज हो गए फसल जब काटते हैं उसके बाद में कुछ लॉसेस होते हैं क्रॉप के तो वो लॉसेस हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से रिड्यूज हो गए हैं सो फोर्थ इंक्रीज मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स सो दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल जो प्लांट की एफिशिएंसी थी वो पहले जितना मिनरल्स यूज करता था उससे कहीं ज्यादा मिनरल्स अब यूज करने लगा है उसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को फर्क पड़ा है पहले जो सॉइल थी वो अनफर्टाइल हो जाती थी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बट अब वो जो है ज्यादा चल जाती है मतलब फर्टिलिटी जो है वो कम नहीं होती है लास्ट एनहानस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एग्जाम्पल गोल्डन राइस वाइटामिन एन रिचड राइस न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस कर दिया क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंगली उस क्रॉप के अंदर वो वाले वाइटमिनस और मिनरल्स डाल दिए हैं जो कि उसके अंदर नहीं थे तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ गई जैसे कि अब गोल्डन राइस जो है गोल्डन राइस के अंदर वाइटामिन ए को हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो एक तरीके से हमारे वाइटामिन ए एनरिच्ड राइस हो गए है ना वाइटामिन ए एनरिच्ड राइस हो गए तो ये है कुछ-कुछ हमारे जो बेनिफिट्स हैं ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज़ टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर हमने देखा कि उसने क्या-क्या चीजें जो है मॉडिफाई कर दी हैं क्या-क्या चीजें एडवांटेजेस हो गई है तो जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसने क्या किया है टेलर मेड प्लांट्स भी कर दिए हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर सप्लाई करती है जैसे कि स्टार्च हो गए फ्यूल्स हो गए फार्मास्यूटिकल्स हो गए तो जितनी भी हमारे ये प्लांट्स हैं जो प्लांट्स, जो टेलर मेड प्लांट्स है वो इंडस्ट्रीज के अंदर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने जैसे कि स्टार्च फूल फ्यूअल फॉर फार्मास्यूटिकल्स ये सारे के सारा सप्लाई करना शुरू कर दिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अच्छा ग्रो किया है और उसने जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई वगैरह करना लग गया तो इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली इट इज़ बेनिफिशियल बीटी टॉक्सिन बैसिलस बेसिलसूरजिनस इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैसिलस चूरेंजिनस बीटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बीटी बीटी टॉक्सिन क्या है इट हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम दी बैक्टीरिया और वो एक्सप्रेस हुआ है इन दी प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स हमने प्रिंसिपल और प्रोसेस के अंदर इसका क्लासिकल एग्जाम्पल पढ़ा था क्या था हमारा बी कॉटन क्या था हमारा कॉटन जो बीटी टॉक्सिन है बैसिलस थ्रेन्ेंजिनस वो बेसिकली ट्यूमर कॉज करता है है ना उसको हम जब प्लांट सेल के अंदर डालता डालते हैं है, तो वो ट्यूमर कॉज करता है तो उसकी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कम करके हम लोग उसके थ्रू जो है अपने पेस्ट रेजिस्टेंस उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं सो बी टॉक्सिन वो भी एक बैक्टीरिया से क्लोन हुआ है और उसको प्लांट्स के अंदर एक्सप्रेस किया है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है रेजिस्टेंट हो गए टू दी इंसेक्ट्स विदाउट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज भी नहीं हुआ और प्लांट्स जो है इंड्यू रेजिस्टेंट हो गए इंसेक्ट्स के सो इन इफेक्ट टू क्रिएटिंग अ बायोपेस्टिसाइड सो एग्जाम्पल्स आप बी टी कॉटन बी टी कॉर्न बी टी राइस पोटैटो सोयाबीन मतलब आप देख सकते हो बी टी तो हमारा मोस्ट most, मोस्टली हर क्रॉप के अंदर डाला गया है जिससे कि क्या हो जाए इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए अगर वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा तो आप ये बताओ कि उसमें हमें केमिकल्स डालने की के तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं है ना मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा और क्रॉप भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा अगर हम उसके अंदर ऑलरेडी जो है मॉडिफिकेशन कर दें तो हमें ऊपर से कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ये जो टॉक्सिन है वो क्या करता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू इंसेक्ट्स तो कोई भी कीड़ा अगर इसके ऊपर आएगा वो क्या करेगा इस वाले टॉक्सिन को खा लेगा और वो क्या करेगा गट में जाके उस इंसेक्ट को मार देगा तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है कि इंजेस्ट जो लार्वा है अगर वो इंजेस्ट कर लेता है या फिर इंसेक्ट जो है जो पर्टिकुलर इंसेक्ट के थ्रू ये बनाया गया है उसी इंसेक्ट को ये मारेगा ये नहीं है कि सारे इंसेक्ट को मारा है जैसे कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में होता था कि वो स्पेसिफिक नहीं होते थे वो सारे के सारे इंसेक्ट्स को मार देंगे या जो भी हार्मफुल बेनिफिशियल सबको मार देते हैं पर ये जो हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर जो हमारा ये बीटी टॉक्सिन डलता है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है ये एक ही टाइप की इंसेक्ट को मारेगा उस इंसेक्ट की गट में जाके उसको मार देता है उस इंसेक्ट की गट, गट में जाके उसको मार देता है तो उससे ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मिल जाती है हमें उन इंसेक्ट से जिनसे हमें खतरा होता है कि वो वाला क्रॉप जो है हमारा खराब हो जाएगा बी टी कॉटन द सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलसोर प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एजट लेपिडोटेरेंस जो कि हमारे टोबैको बर्ड वाम हो गए आर्मी वाम हो गए कोलियोपटेरेंस जो कि बीटल्स और डिपटेरेंस जो कि है फ्लाइज और मॉस्किटोज तो आप देख सकते हो ये किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक है ये है इंसेक्ट्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक कौन कौन सी इंसेक्ट्स है सबसे पहले लैपिडोटेरेंस देन डिप्टोटेरेंस देन कोलियोपटेरेंस ये इन सब के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट है मतलब यही इंसेक्ट जब उसे इंजेस्ट करेंगे या फिर जब उस क्रॉप के ऊपर जाएंगे तो यही इंसेक्ट्स मरेंगे बाकी किसी इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं होगा सो so, ये जैसे आप देख सकते हो कॉटन कॉटन बॉल जो है इट इज डिस्ट्रॉयड ए जो है ये इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द बुलवम और ये क्या है फुली मेच्योर कॉटन बॉल है अगर हमारा इसमें ये ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये जीएम है तो आप देख सकते हो कॉटन बॉल कैसी फूल गई है पर यहाँ पे जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थी तो ये बुलबॉल से जो है इन्फेक्ट होके और मर गई थी तो अगर हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे तो ये पूरा ग्रो कर जाएगा तो ये हमारा क्या है बी कॉटन है ये हमारा बी कॉटन है इसके अंदर रेजिस्टेंट है इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंट है सो बी टी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ और ये क्रिस्टल्स क्या कंटेन करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कंटेन करते हैं तो so, बी क्या करते हैं दे प्रोटी दे प्रोड्यूस द प्रोटीन क्रिस्टल्स ये प्रोटीन क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करते हैं इन अ पर्टिकुलर फेज एक ही फेज के अंदर ये प्रोड्यूस करेंगे इनकी लाइफ साइकिल के अंदर एक फ़ेज़ आता है जिसके अंदर ये प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करेंगे और जो कि क्या करेगा जो कि टॉक्सिक होते हैं और उसे क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्योंकि वो इंसेक्ट को मार रहा है इसलिए हम उसे इंसेक्टिसाइडल बोलेंगे द जीन फ्राम बाइसल ट्रेंजनस हैज बिन इनकारवरल क्रॉप प्लांट्स लाइक कॉटन मेज राइस एक्सेट्रा एंड द टॉक्सिन उस टॉक्सिन कोड कौन करता है क्राई जीन क्राई रोने वाला क्राई नहीं क्राई जीन क्राई जीन इसे कोड करता है द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन्स क्राई वन ए बी क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बोलव क्राई वन ए बी कंट्रोल्स कॉन बॉरर तो इसमें अलग अलग जीन्स जो है कंट्रोल करते हैं क्राई जींस जिनको हम बोलते हैं क्राए टू ए बी किसको कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉम जो कि बिल्कुल नष्ट कर देता है ना कॉटन को उसको कंट्रोल करता है क्राए वन ए बी किसको कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर को किसको कॉर्न बोरर को तो ये क्राई जो हैं ये ही कोड करते हैं इस टॉक्सिन को जो क्राई हैं रोने वाला क्राई इसको नहीं समझना है क्राई मतलब जो कि टॉक्सिन को कंट्रोल करते हैं तो क्राई जीन्स दे कंट्रोल द टॉक्सिन विच इज सिक्रिएटेड बाय बी और वो क्या करते हैं वो अलग अलग इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं ये स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं

एनी प्लांट या फिर क्रॉप आप मान लो तो वो क्या करता है सबसे पहले उसकी रिड्यूस कर देता है यील्ड 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 को द द ये करता है तो कोई भी माइक्रोब जब किसी क्रॉप को अटैक करेगा या फिर किसी प्लांट को अटैक करेगा वो सीधा उसकी यील्ड पे अटैक करेगा क्योंकि अगर प्लांट और क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो अल्टीमेटली उसकी यील्ड खत्म हो गई तो वो उसकी यील्ड को जाके अटैक करता है कि अल्टीमेटली उसकी रिडक्शन इन yield हो जाए। so the infestation of these nematodes can be prevented by the process of rna interference जो ये हमारे nematodes hai m incognitia उसको hum log kaise prevent kar sakte hain by the process of rna interference rna interference में। आर एन इंटरफेरेंस जो है हर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एज अ सेलुलर डिफेंस ये क्या करता है साइलेंस कर देता है कुछ एम को अगर एम को साइलेंस करेगा तो वो क्या करेगा वो उसका इंफेक्शन बढ़ने से रोक देगा उसका इंफेक्शन नहीं बढ़ेगा तो ये होगा कि साइलेंस कर देगा अगर एम को जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसके थ्रू वो जो है बाइंड कर लेता है देखो इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है है बॉडी जो जब माइक्रोव आया उसका जो एम आर एन ए होगा उसके अगेंस्ट जो है उसके एक तो इससे क्या होगा हमारा एम आर एन ए साइलेंट हो गया देखो जब हम इसे अच्छे से देखें तो क्या होता है ये प्रोसेस जैसे कोई माइक्रोव आता है जैसे कोई माइक्रोव आएगा जैसे कोई माइक्रोब आया वो सबसे पहली कोशिश क्या करेगा जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो जो भी माइक्रोब होता है वो होस्ट मशीनरी के जा, अंदर जाके अपने प्रोटीन्स बनाने लग जाता है एम से अपने प्रोटीन्स ट्रांसलेट करने लग जाता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है तो जब माइक्रोब अब एम बनाएगा तो बॉडी के अगेंस्ट क्या होता है बॉडी के अगेंस्ट क्या बॉडी के अंदर क्या होता है बॉडी में एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर बन जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके एम आर एन ए के तो एम आर एन ए के साथ जुड़ के क्या करेगा इसको ब्लॉक कर देगा इसको ब्लॉक कर देगा डीएनए जुड़ गया आर एन ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री और उसने क्या किया उसको ब्लॉक कर दिया तो एम आर एन ए क्या कर पाएगा एम आर एन ए विल नॉट बी एबल टू

एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगा ही नहीं वो वहीं पर लॉक होके उसे किक आउट कर देगा। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लीकेट थ्रू दर एन ए इंटरमीडिएट सो जो सोर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए का वो कहां से होता है बाय इनशन मतलब फ्रॉम एन इनफेक्शन बाय वायरस और उस वायरस के अंदर क्या होता है आर एन होना चाहिए और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो है वो कर सकते हैं जो कि रेप्लीकेट करते हैं बाय आर इंटरमीडिएट्स तो ये जो होता है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर होता है बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस जिस वायरस के अंदर आर एन होगा उससे सो द निम स्पेसिफिक जीन्स वोड्यूस इन टू होस्ट प्लांट्स यूजिंग द एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स के थ्रू ये जीन्स जो है इंट्रोड्यूस हुए थे बाय एग्रोबैक्टीरियम और द पैरासाइट नॉट सर्वाइव इन सो so, वो पैरासाइट जो भी एंटर कर रहा था वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर क्या था इंटरफेयरिंग आ था और प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे नॉट एबल टू ट्रांसलेट प्रोटीन ठीक है सो so, इस फोटो के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द दिमाटोड इंफेक्शन फर्स्ट ए रुपी ये हमारे जो है टिपिकल जो कंट्रोल प्लांट्स हैं उनकी रूट्स हैं बी ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की रूट्स है आफ्टर फाइव डेज ऑफ इन्फेक्शन बाय निमाटोड पर उसके अंदर जो है मकैनिज्म आर एन ए इंटरफेरेंस की वजह से वो जो है बच गए थे तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की रूट्स हैं और ये नॉर्मल रूट्स है तो आप देख सकते हो इसके अंदर इन्फेक्शन फैल गया देखो ये इसके अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ टोट का पर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं फैला और रूट्स जो है हमारी इंटैक्ट है कौन से मेथड के थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू कौन से मेथड के थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू तो आज की क्लास में हमने देखा है कि क्या-क्या एप्लीकेशंस -क्या होती हैं हमारी एग्रीकल्चर के अंदर क्या-क्या एप्लीकेशंस -क्या होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें वो इंडस्ट्रियल स्केल पे मदद करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स और बाकी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे क्या होंगे फंजाए प्लांट्स, एनिमल्स सो एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डायग्नोस्टिक्स हो गए एग्रीकल्चर हो गया प्रोसेस्ड फूड हो गया बायो वेस्ट ट्रीटमेंट रेमिडेशन वेस्ट ट्रीटमेंट एनर्जी प्रोडक्शन ये सारा हमारा एप्लीकेशन में आता है सो क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है सबसे क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी इट इंक्लूड सबसे पहले तो कैटलिस्ट वो प्रोवाइड करता है इन दी फॉर्म ऑफ इम्प्रूवड ऑर्गेनिज्म अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है अगर हमने ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर चेंजेस कर दिए हैं तो वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट पर उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए हमें ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती है जो कि हमें बायो इंजीनियरिंग के थ्रू मिलती है और लास्ट क्या होता है इसके अंदर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग प्योरिफाई करते हैं प्रोटीन को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसको फिर मार्केट में अवेलेबल करते हैं सो so, कौन कौन से ऑप्शन हमारी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर थर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हम लोग सीधा डाल देंगे हमें एग्रोकेमिकल्स की ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे क्रॉप ही एग्जिबिट कर देगी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था फॉर इंक्रीजिंग द फूड सप्लाई पर जब हमारी फ़ूड सप्लाई ट्रिपल भी हो गई तब भी हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि वो उनको फीड ही नहीं कर पा रही थी पर इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से वाइटीज़ बढ़ी उसकी ईल्ड बढ़ी और हम लोग जो है फ़ीड कर पाए पर जो ये एग्रोकेमिकल्स आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हमें उतनी ईल्ड प्रोवाइड नहीं करता है तो हमें एग्रोकेमिकल्स लेने पे मजबूर हो जाते हैं पर एग्रोकेमिकल्स का अब एक सब्सटीट्यूट आ गया है जो कि है हमारा बायो केमिकल्स बायो पेस्टिसाइड्स बायो कंट्रोल एजेंट्स और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर क्रॉप्स सो so, जब हम प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाए एनिमल्स इनके जीन्स के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है इन क्रॉप्स के अंदर टॉलरेंस होती है एबायोटिक स्ट्रेसेस से रिलायंस कम होती है केमिकल पेस्टिसाइड्स पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं इनहस न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जाती है जैसे कि हमारी गोल्डन राइस जो है वाइटामिन ए से एनरिच्ड होता है और इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज हो जाती है सॉइल फर्टिलिटी कम कम होती मतलब सॉइल फर्टिलिटी इंटैक्ट रहती है वो कम नहीं होती है जीएम का मतलब क्या है हमारे टेलर बेस्ड प्लांट्स बनते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके सप्लाई करते हैं किसको स्टार्च फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स इन सब में जाके सप्लाई करते हैं सो बी टी टॉक्सिन हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है बाय अ बैक्टीरियम नोन एज बैसिलस बैसिलसोरेंजिनस जो कि रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स प्रोवाइड करता है किस किस के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है कॉटन के अंदर कॉर्न के अंदर राइस के अंदर टोमेटो पोटैटो सोयाबीन सब में सो बी टी कॉटन में क्या होता है कि कुछ कुछ स्ट्रेंस जो है बैसिलस थोरेंजिनस के वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट सच एज लेपिडोटेरेंस कोलियोपटेरेंस डिप डिप टेरेंसी ये सारे के सारे स्पीशी स्पेसिफिक होता है जो ये बीटी होता है हमारा ये स्पीशी स्पेसिफिक होता है स्पीशी स्पेसिफिक होता है तो इसमें क्या होता है ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्रिस्टल्स बनवाता है बनाता है जो ये बीटी टॉक्सिन होता है प्रोटीन क्रिस्टल्स बनवाता है बनाता है ड्यूरिंग देयर फेज ऑफ ग्रोथ और वो क्या करते हैं वो टॉक्सिन कंटेन करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के सो so बी जो है काफी सारे सेवरल क्रॉप्स के अंदर हमने किया है इनकॉर्पोरेट और इसे कौन सा जीन जो है इनकोड करता है क्राय जीन करता है क्राय वन ए बी क्राई टू ए बी क्राई टू ए बी जो है कॉटन बोलवम को कंट्रोल करता है क्राय वन ए बी जो है कॉन बोरर को कंट्रोल करता है तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने कैसे बनाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस इसके अंदर एम आर एन ए साइलेंसिंग हो जाती है साइलेंसिंग ऑफ दर एन ए हो जाती है जो कि निमेटोड्स होते हैं जैसे कि हमारे एम इनको वो क्या करते हैं टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इनफेक्ट करते हैं तो उनसे ओवरकम करने के लिए क्या किया कि सेलुलर डिफेंस से क्या होगा साइलेंस हो जाता है एम आर एन ए क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जो है वो प्रोड्यूस होता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जो है वो प्रोड्यूस होता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जैसे कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है कोई भी माइक्रोब ने हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट किया तो वो अपने प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा जिससे वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाए तो उसी प्रोटीन ट्रांसलेशन को रोकने के लिए उसके एम के कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी जो है एक डबल स्टैंडर्ड एम डबल स्टैंडर्ड आर को प्रोड्यूस करती है जो उसके साथ पेयर अप करके उसे साइलेंट कर देता है और प्रोटीन ट्रांसलेशन रोक देता है तो अच्छी टेक्निक है ना जिससे जिससे क्या होता है वो प्रोटीन ट्रांसमिशन नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं फैलता है और नीमटोड़ के जो ये स्पेसिफिक जीन्स है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे बाय एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स और जो कि पैरासाइट है जो पैरासाइट जो है सरवाइव नहीं कर पाता है उस ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर वो पैरासाइट जो है ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस होती है तो बच्चों ये थे हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके और जो है एप्लीकेशंस देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा ट्वेंटी स्कूल के चैनल को और अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बाय बाय